लगातार बदलाव से एक तरफ जहां लोगों के गर्म कपड़े तन से नहीं उतर रहे, तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने फिर से ठंड बढ़ने के संकेत दिए हैं। कृषि महाविद्यालय के प्रोफेसर और मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस के शर्मा की माने तो राजस्थान से चक्र बना हुआ है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में बारिश की संभावना है। वहीं एमपी के नीमच, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर में भी दो दिनों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो दो दिनों बाद मौसम में गिरावट हो सकती है। फिलहाल तापमान औसत के आसपास या कुछ अधिक है। आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बीते दिनों मौसम में जाने के बारिश के पानी में भी अधिक वर्षा का, जिसके बाद सर्दी की ऋतु में जमकर ठंड ने अपना कहर बरपाया, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। इसके साथ ही अलाव जलाकर लोगों को राहत देने में भी लगा हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने फिलहाल तापमान में गिरावट को लेकर कहा है, यानी कि ठंड का मौसम अभी जारी रहेगा। देखिए, अभी कल का यदि अपन तापमान देखते हैं तो मिनिमम टेम्परेचर था वो लगभग 16 डिग्री सेल्सियस था और जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो लगभग 26.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। तो इस तरीके से दोनों ही तापमान हमारे इस समय बढ़े हुए हैं। उसका जो प्रमुख कारण वो ये है कि इस समय हमें साउथ की तरफ से विंड डायरेक्शन मिल रहा था, साउथ वेस्टर्ली विंड डायरेक्शन था, और एक अभी जो एक सर्कुलर सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान की तरफ, उसकी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे कुछ क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। खासतौर से जैसे कि नीमच है, सीहोर है, रतलाम है और शाजापुर है इधर, और नॉर्थ मध्य प्रदेश है, इस तरफ बारिश की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। हमारे यहाँ की यदि अपन बात करते हैं तो आज और कल थोड़ा सा क्लाउडी वेदर रहने की संभावनाएं हैं, बारिश की संभावनाएं कम है हमारे यहाँ। और यदि अपन तापमान की बात करते हैं तो आने वाले जो अभी बढ़ा हुआ थोड़ा सा तापमान है, ये आज और कल कुछ इसी तरह का रहने की संभावना है। उसके बाद यदि ये सर्कुलेशन कमजोर पड़ता है तो उसके बाद जो है वो तापमान में गिरावट आने की संभावनाएं बनती है, और जो विंड डायरेक्शन है वो हमारा नॉर्दर्ली होने की भी संभावना उसके बाद बनेगी। तब हो सकता है कि परसों से पुनः हमारे यहाँ तापमान में गिरावट हो। अभी जो तापमान है हमारा लगभग औसत के आसपास या उससे थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है।